नमस्कार, मैं हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत पर वहां के प्रत्याशी आदरणीय अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और गोला के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी पर जो आपने भरोसा व्यक्त किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। हम सब मिलजुल करके गोला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे और श्री स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की जो योजना थी उसको अमली जामा पहना पाएंगे। इन्हीं लब्जों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रिजल्ट चुनाव का और ऐसा है कि अब हम कुछ नियम बताए दे रहे हैं। मान लो तुमने किसी का विरोध किया है वो जीत गया है या कोई का समर्थन करे वो हार गया तो कैसे मैनेज करना है ये जल्दी जल्दी सीख लो। सबसे पहले अगर तुम्हारा लड़ाया हुआ प्रत्याशी हार गया तो भाग के जाओ, छत से उसका झंडा उतार के फेंक दो, गाड़ी से उतार के फेंक दो, जो जीता है उसका लगा लो। अब उसके बाद जीता हुआ प्रत्याशी आपके घर आ गया है और आपका झंडा लगा रह गया, किसी कारण से नहीं हट पाया है और वो घूर के झंडा देख रहा है तो आप सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराइए, माला पहनाइए और फिर उसी के साथ वो झंडा इच्छे करके देखना है और कहना अरे यो को लगागा लग रहा पांडे जी आपका विरोध कर रहे रहे पीछे वाले हुई लगाने, पांडे को पूरी टोपी पहना देनी है। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है उसका गुस्सा जल्दी शांत होता है, वो आपको चूतिया समझ के आपकी गलतियां माफ कर देगा। अब मान लो आपने किसी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर दिया है और वो जीत गया है, वो आप सोच रहे हो आते हैं जीतते हैं हमारे दुई चार कंटाब ला जूता मारेगा, तो आप उसके आने का इंतजार ना करिए, आप तुरंत माला खरीद के दो हैवी काउंटिंग स्थल पे पहुंच जाइए और प्रयास करिए कि सबसे पहले माले आप ही उसको पहना दो और इसके बाद नाचब चालू कर दो और उनके घर तक जाओ नाचते नाचते। हम तो कह रहे हैं थोड़ा पहले पहुंच जाओ, घर के बाहर का अरेंजमेंट जो विधायक जीतते हैं उनके घर के बाहर बड़ी व्यवस्थाएं होती, पूरा अरेंजमेंट देखो, जाके कुर्सी लगाओ, चाय पिलाओ, लोगों का बताओ नेताजी आ रहे हैं, उससे संदेश ये जाएगा कि आप नेताजी के सबसे खास आदमी। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव।